ऐसी ही वेजिटेरियन फिल्म है। और बाकी में आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि हर काम करने वाले से लेकर सेठ जी से लेकर किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो एक सटाया कॉमेडी है। आजकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो मैं कभी भी अपनी फिल्म का कोई प्रमोशन होता कभी नहीं कहता कि एक बहुत हटके फिल्म है। ये हटके एक ऐसा वर्ड होता है ना शक्ति जी, सब लोग बोलते हैं ना हमारी हटके फिल्म है, हटके फिर बात के बाद में भटके फिल्म निकलती है, पता नहीं। ये हमारी ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज डार्क कॉमेडी है, और काफ़ी टाइम से इस तरीके की कोई डार्क कॉमेडी नहीं आई। और आप इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे सब लोगों ने, मतलब कि मुझे तो सीखने मिला है, मुझे तो सीखने मिलता है बिकॉज इतने सीनियर और बेहतर इतने वंडरफुल एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी वेरी मच मनोज। फिर ट्रेलर देखते हैं, फिर अपनी अच्छी फिल्म बनाएंगे। शक्ति जी मैं चाहूँगा कि आप इसमें दो सबसे शरीफ आदमी जो इस इंडस्ट्री में है, गोविंद जी और शक्ति कपूर। वाक्य में इस फिल्म के अंदर ये दोनों शरीफ आदमी हैं जो पर्दे में लोगों को डराते रहे हैं। वैसे तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, लेकिन इस फिल्म में वाक्य में गोविंद जी, शक्ति जी और हमारे पिताश्री, ये जो महान हमारे महान कलाकार सामने खड़े हैं, एक फिल्म ऑफ रिलेशंस है। हमारी आज की जो जनता है, हमारे जो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, कुछ संस्कृतियाँ पुरानी भूल चुके हैं, और वक्त इतना तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं जो ट्रैफिक में फंसे होंगे वो भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार, जल्दी से ले चल। सो किसी के पास आज के वक्त में टाइम नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और इस भागने में काफ़ी कुछ खो बैठता है। तो इस फिल्म के अंदर आपको वो कुछ चंद नई चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग शायद भूल चुके हैं। एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू लवली एक्टर्स, मनोज जी थैंक यू सर, टू भी सबसे एवर ग्रीन हीरो है, और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोविंद जी, अनुप तक आपसे दो शब्द। ये दो शब्द मैं मनोज शर्मा की तारीफ में कहूँगा। इतना बड़ा अरसा हो चुका है मुझे काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये पहले ऐसे डायरेक्टर मुझे मिले हैं कि शॉट खत्म करके जैसे हम वैन में पहुंचे तुरंत कॉल आया, सर आपका शॉट दूसरा शॉट तैयार है। इन्होंने ये फिल्म 22 दिन में ये फिल्म कंप्लीट कर ली, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए बिना जो इतना सेंसिटिव मैसेज इस फिल्म के अंदर है वो पूरी ताकत के साथ आपको इसमें असर करता हुआ दिखेगा। मुझे पूरा इंट्यूशन है कि ये फिल्म जिस मकसद से बनाई गई है वो अपना मकसद जरूर पूरा करेगी। आपके बिना तो ये फिल्म वैसे भी नहीं बनती, तो इस सब आपके बन जाती है, बन जाती है। अरे सर आपका ही थ्रो बन जाती है। मुझे दो शब्द कहने हैं, दो शब्द कहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये कहना है कि इतने सालों में जो काम किया है मैंने, इसमें से कॉमेडी की पहचान कुछ डायरेक्टरों को है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, सबको आता नहीं, माफ कीजिएगा। इसमें मैंने एक मरहूम डायरेक्टर कुंदन शागत जी के साथ काम किया है, उसमें जो सटलिटी थी कॉमेडी के अंदर और मैसेज जो जाता था, वो डायरेक्टर इतने दिनों के बाद मिला मनोज। मैं इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ, इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे डायरेक्टर को चुना, ऐसा डायरेक्टर बहुत कम मिलता है आज के ज़माने में। थैंक यू। और जैसा शक्ति जी ने कहा कि इसके अंदर फैमिली की जो मैसेज है ज़बरदस्त मैसेज है, और कितनी सटलिटी से दिया है जो आपकी लाइफ के साथ मिलता जुलता है, इससे अच्छी फिल्म कॉमेडी में कुछ फिल्में हैं उनमें से एक है। धन्यवाद। तो आप परिवार के साथ जाएंगे तो उनको ज़्यादा कलेक्शन आएगा। और सर ये जो आपने इतना स्पीच दी इसकी कितने दिन रिहर्सल की थी? सर फिल्म की स्टोरी लिखी है तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों से सीख लिया है। मैं और कृष्णा अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे,
तो मैंने पूछा कितने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, बोले 8 है। मैंने कहा इनका ही खानदान आ जाए पूरा, पिक्चर 8 है। एक बात मैं आपको बता दूं, शक्ति कपूर जी हमारी मारवाड़ी दाल बाटी के बहुत बड़े फैन हैं, तो दाल बाटी जिसके घर में अच्छी बनती है वो जरूर मेरे से कॉन्टेक्ट करे, मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जो इन लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर्स को, जो दाल बाटी इन्होंने मुझे खिलाई है। आज तक दाल भी निकल रही है, बाटी भी निकल रही है। थैंक यू। बस लास्ट में हमारे जो चीफ गेस्ट साहब, हमारे अनुप जलोटा जी साहब आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि दो शब्द। आप तो खैर बहुत प्यारे से वैसे ही बोलेंगे। बहुत कुछ कह दिया गया है और बहुत अच्छा कह दिया गया है, आप लोगों ने खूब मजा लिया है। हेलो, एक आजकल मैं एक छोटा सा चुटकुला हर जगह सुनाया करता हूँ कि एक बार एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया, फिर अपनी कहानी बना ली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सब ने मिल के फिल्म बनाई, फिल्म खूब चले, लोग बहुत उसका आनंद लें, मजा लें, और अभी इसका टीजर देखते हैं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।